हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता। आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आयत ज्ञात करें, ठीक है। तो दो पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन करेंगे कि वर्ग जो है आयत हो सकता है, वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता है। वर्ग क्या हो सकता है? आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। ये क्या है? हमारा वर्ग है। ये क्या है? हमारा वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है हम लोग का, कि चारों भुजा जो होता आपस में बराबर। अगर ये पांच है तो ये भी पांच होगा, ये भी पांच होगा और ये भी पांच होगा। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। और आयत में क्या होता है हम लोग का, आमने सामने की भुजा केवल आपस में बराबर होती है। अगर ये तीन है तो ये भी क्या होगा? तीन होगा। ये मान लीजिए पाँच होगा तो ये भी क्या होगा? पाँच होगा। ये क्या है हम लोग का? आयत है, ठीक है। तो मैंने बोला कि वर्ग जो है आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे ये कैसे होगा? तो आप देखेंगे ध्यान से कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पाँच के सामने क्या है? पाँच है, बराबर है, ठीक है। तीन के सामने क्या है? तीन है, ये भी बराबर चाहिए। वर्ग में क्या होती है? चारों भुजा आपस में बराबर होती है। तो मैंने बोला था कि वर्ग क्या हो सकता है? आयत हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए आप यहाँ से पाँच, ये भी है तो ये भी पाँच है, बराबर है ना। ये पाँच है, ये भी बराबर है। कहने का मतलब कि जो वर्ग है ये आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। आयत में क्या है? चारों भुजा बराबर नहीं है, इसलिए आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है। और वर्ग क्या हो सकता है? आयत हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इससे हम लोग को आयत ज्ञात करने में इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ग क्या होता है? आयत हो सकता है। इसलिए वर्ग हो या फिर आयत हो, हम लोग आयत ही मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न में। प्रश्न है हमारा कि इसमें आप लोगों को आयत काउंट करना है कि इसमें कितने आयत है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को नंबरिंग करना होगा, यानी कि एक, दो, तीन और चार। रो वाइज और कॉलम वाइज आप लोग नंबरिंग करेंगे। एक इधर भी कर लेते हम लोग, एक, दो, तीन और चार, नंबरिंग हो गया। अब क्या करना है आप लोगों को, बारी बारी सबको जोड़ देना है। एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार दस, यानी कि इस वाले को जोड़ने के बाद कितना हो गया हमारा? दस हो गया, ठीक है। अब इस वाले को जोड़ लेते हैं। एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार दस, इस वाले को जोड़ेंगे तो भी हमारा कितना होगा? दस होगा। एक बात मैं आप लोग क्लियर कर दूँ, ये क्या था? सिमेट्री फिगर था, ठीक है। सिमेट्री फिगर हो या फिर नॉन सिमेट्री फिगर हो, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस वाले दोनों को आपस में गुणा कर देना है। दस गुने में दस कितना होगा हमारा? सौ। तो हमारा आंसर क्या होगा? सौ आयत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इस वाले फिगर में कितने आयत हो जाएंगे? सौ आयत हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए एक और देखते हैं प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये फिगर है, इसमें आपको काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ आयत या नंबर ऑफ कितने हैं आयत, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबरिंग करना है, रो वाइज और कॉलम वाइज। एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच। ये फिगर जो है नॉन सिमेट्री फिगर है। सिमेट्री कहने का मतलब रो और कॉलम की संख्या समान, लेकिन यहाँ पे क्या है? असिमेट्री फिगर है। रो कॉलम कितने हैं? फाइव। रो कितने हो जाएंगे? वन, टू और थ्री। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिमेट्री फिगर हो या फिर नॉन सिमेट्री फिगर हो, हमारा प्रोसेस क्या होगा? सेम होगा।
वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कितना, सिक्स, ठीक है। फिर वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस फाइव कितने हो जाएंगे, फिफ्टीन, यानी कि पंद्रह। फिर क्या करना होगा आपको, सिक्स और पंद्रह कर देना होगा आपका मल्टीप्लाई, पंद्रह छक्के हो जाएगा आपका 90। तो इस वाले फिगर में नंबर ऑफ आयत कितने हो जाएंगे हमारा, 90, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी जो है आपको सिंपल सा फिगर दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कितने आयत है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, इसमें रो कॉलम तो है नहीं, एक ही है, वन टू थ्री और फोर नंबरिंग कर लेंगे, इधर तो नहीं है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी सबको जोड़ देंगे, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार दस, इसमें नंबर ऑफ आयत कितने हो जाएंगे, दस, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न हमारा, ऐसा फिगर है आपको बताना है कि इसमें आयत कितने हैं। आप बोलेंगे कि आपने पिछली वीडियो में बताया था, मतलब पिछले प्रश्नों में नंबरिंग करने के लिए, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन और चार, आप इधर से भी कर सकते हैं, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक से करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा, ठीक है। एक दो तीन और चार, नंबरिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार हो जाएंगे आपका दस, ठीक है। यहाँ भी करेंगे, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार हो जाएंगे आपका दस। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, दो है, दस प्लस दस कर देंगे बीस, आंसर मार देंगे बीस, जो कि क्या होता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा बीस मारेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि इस वाले दस में एक दो तीन चार को मैंने ऐड किया, कितना हो गया, दस। तो कहने का मतलब है, ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला जो आयत है, इसको मैंने एक बार काउंट कर ही लिया, तो दोबारा काउंट क्यों करेंगे, समझ में आया। एक बार काउंट कर दिए, दोबारा काउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इस वाले बॉक्स को एक ही बार काउंट करेंगे ना, जब सबको एक बार कर रहे थे, इसको भी एक बार करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लस दो, दो प्लस मतलब ये करके दस बार हो गए, दस हो गया। फिर आप यहाँ भी दस कर रहे हैं, यानी कि इसको दो बार कर रहे हैं आप। तो क्या होगा, दस प्लस दस बीस तो होगा, दस प्लस में दस कितना होगा, बीस तो होगा, लेकिन ये वाला जो था आयत, इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, उन्नीस, हमारा आंसर क्या होगा, उन्नीस होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जल्दीबाजी में ये गलतियां कर बैठते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इस वाले फिगर में आपको बताना है कि आयत कितने होंगे, क्या है इसमें बताना आपको आयत कितने होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, कहाँ से, यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, एक दो तीन और चार, फिर यहाँ से करेंगे, एक दो तीन चार और पाँच, फिर करेंगे यहाँ से, एक दो तीन और चार। प्रोसेस आपका सेम रहेगा जोड़ने का, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार कितने हो जाएंगे हमारा, दस। यहाँ देख लेते हैं, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार दस, दस पाँच पंद्रह, यहाँ पर कितना आ गया, पंद्रह। यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन छः, छः प्लस चार दस, यहाँ पर आ गया हमारा दस। फिर क्या करेंगे आप, सबको जोड़ देंगे, गुणा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे खाली है, यहाँ भी खाली है, ठीक है। दस प्लस दस बीस प्लस तीस पंद्रह कितना हो गया, 35, यानी कि 35 हो गया। ऑप्शनों का 35 भी हो सकता था,
जो कि बच्चे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही सवाल कि आप लोग इस वाले बॉक्स को दो बार काउंट कर लिया है, एक बार इधर से और एक बार इधर से। इस वाले बॉक्स को आप दो बार काउंट करिए हैं, एक बार इधर से और एक बार इधर से, यानी कि एक और एक दो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 35 में से जब दो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 33। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छी प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा काफ़ी जटिल है, बट कुछ भी जटिल नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन चार और पाँच, यहाँ भी करेंगे एक दो तीन, यहाँ भी करेंगे एक दो तीन चार और पाँच, सबको ऐड करेंगे, एक प्लस दो तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, पाँच पंद्रह, कितना हो जाएगा 15। इस वाले को ऐड करेंगे, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस तीन कितना हो जाएगा हमारा 6। इस वाले को ऐड करेंगे, एक प्लस दो तीन, तीन छः चार दस पाँच पंद्रह। अब क्या करेंगे, सबको बारीकी बारी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15 15 30, 30 और 6 कितना होगा 31 36, 36। बट हमारा 36 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए अब बताते हैं हम। इसमें आयत बढ़ेगा, एक आयत ये वाला हो जाएगा आपका बड़ा वाला, यहाँ से यहाँ तक आपका एक आयत। हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। एक बार आपका ए बी हो जाएगा एक आयत, दूसरी बार क्या होगा बी और सी हमारा एक आयत हो जाएगा, और तीसरी जो आयत होगा ए बी सी तीनों मिला करके हमारा एक आयत हो जाएगा, ठीक है। तो तीन आयत हो जाए हमारा, इसमें प्लस में क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा प्लस में, तो कितना टोटल आयत हो जाएगा हमारा 39। क्लियर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 39। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।